फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज संडे है और फाइनली आज हमें जाना है घर होली सेलिब्रेट करने के लिए। और मैंने कल अपना बैग पैक किया था, लेकिन बैग जो है कंप्लीट कल पैक नहीं हो पाया था, तो मैं आज मॉर्निंग से ही अपना बैग पैक करने में लग गई हूँ। मॉर्निंग में मतलब हमने घर की क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। और आज ब्रेकफास्ट में कुछ न्यू प्रिपेयर नहीं किया था मैंने, बस ब्रेड और चाय हम सब लोगों ने खा लिया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी तैयारियाँ करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ ब्रेड बनाई है चाय के साथ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अभी यहाँ पर बेड पर कर रही थी इनके कपड़े प्रेस, तो इनके दो तीन कपड़े थे जो मुझे आयरन करने थे। एक्चुअली कल मैंने मशीन लगाई थी, तो इनकी जो जीन्स वगैरह थी वो सूखी नहीं थी और इनको इन्हीं जीन्स को ले जाना था, तो मैंने अभी इन कपड़ों को प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेट गई हूँ, क्योंकि प्रेस थोड़ा झुक कर करते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है मेरे। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी और फिर अपना बैग पैक करूँगी अच्छे से। और कल मैंने जो पैकिंग की थी वो सब मेरी बेकार हो गई है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब हम लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही जो सामान ले जाना है उसे पैक कर लो। तो फिर मुझे दोबारा से सारी पैकिंग करनी है। कल मैं बहुत खुश हो रही थी, बच्चों के लिए मैंने सारा सामान पैक कर दिया था। और बच्चे जो है दादी बाबा के घर जाने के लिए इतने ज़्यादा खुश है ना, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, कि कल मैंने इनको इवनिंग में जो न्यू बैग्स लाकर दिए थे, जो कार्तिक ने एक ट्रॉली बैग लिया था और काव्या अपना न्यू स्कूल बैग लाई है, तो मतलब कार्तिक को तो खरीदवाना था लेकिन काव्या भी पीछे पड़ गई कि मम्मा मुझे भी दिलाओ, तो फिर मैंने उसे भी दिला दिया। तो दोनों ही बच्चे सुबह से अपना बैग लेकर इतना इवनिंग में पूरा नाइट तक खेलते रहे दोनों ही बच्चे बैग से, मॉर्निंग में भी अपना बैग लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। उन्होंने अपने न्यू बैग में अपनी बुक्स भी सेट कर लिए हैं बाबा के घर ले जाने के लिए। जब हम लोग घर जाते हैं तो फिर पापा जी जो है बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहते हैं, मतलब कि इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये, जो पापा जी इनको न्यू न्यू चीज़ें सिखाते हैं, तो नेक्स्ट आगे के लिए इनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है पढ़ाई के लिए। तो जब भी हम घर जाते हैं तो बच्चों की बुक्स तो ज़रूर लेकर जाते हैं, तो मैंने इनकी बुक्स इन्होंने अपने बैग में खुद ही रख ली हैं, लेकिन मैं अभी चेक करूँगी कि इन्होंने बैग में क्या क्या रखा है और मैं मेरा बैग फिर से पैक करूँगी। और हम लोग जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए इन-लॉज हाउस। जो फेस्टिवल होते हैं, मैं सारे ही फेस्टिवल हमेशा घर में इन-लॉज के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो, फैमिली के साथ इन्जॉय करने का इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, अकेले रहते हैं, मतलब यहाँ कुछ पता भी नहीं चलता है फेस्टिवल है क्या है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में जो है बहुत मज़ेदार होली होती है, बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। और लास्ट होली का मैंने एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर भी किया था, उस टाइम पे मैंने न्यू चैनल बनाया हुआ था तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जितना हो सकता था मैंने होली का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। और इस बार भी आपको होली पर बहुत ही अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं जब मैं लॉस हाउस जाऊँगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा है मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अभी तो मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना आगे का काम करूँगी और फिर आपसे दूसरी साइड रोटी या फिर पराठा जो भी ये खाएंगे इनके लिए बना दूंगी। और मैंने रात को दही जमाया था, तो दही रखा है, दही का रायता बनेगा या फिर दही ऐसे ही खाया जाएगा, तो मैं पहले इनसे पूछ लूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो चलिए जल्दी से मैं अपना पराठा रोटी जो भी बनेगा बना कर दिया।
कहीं जाना हो तो कितना ज़्यादा काम हो जाता है ना, सुबह से काम काम। उसके बाद अभी लंच करने के बाद मैं फिर से गई थी और मैंने जो भी मेरी पैकिंग में सामान रखने के लिए रह रहा था मैंने कंप्लीट रख दिया है। मेरा ही रह गया था, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, बैंगल्स है, ये सब चीज़ें मैंने नहीं रखी थी तो मैंने उनको भी रख दिया है। मतलब कंप्लीट पैकिंग मैंने कर दिया, बस 1% भी मेरा सामान नहीं रह रहा है। और बस अब जब शाम को हम लोग निकलेंगे तो फिर उससे पहले मैं बनाऊँगी डिनर, जो हम खाने और हम डिनर जो है घर से ही बना कर ले जाएंगे। ट्रेन हमारी 10 बजे की है, हम चाहे घर से खा कर जाएँ लेकिन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ना कुछ खाना जो है अपने पास होना ही चाहिए, चाहे हम सैंडविच है या फिर कुछ राइस है या फिर सब्जी पूड़ी है, ऐसा कुछ बना कर ले जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ट्रेन में जब और लोग डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो बच्चे उनको देख कर मांगते ज़रूर हैं, खास कर काव्या, देखो मम्मी ये आंटी राइस खा रही है, ये सब्जी पूरी खा रही है, ऐसे करके वहाँ बोलने लगती है सबके सामने। तो मैं हमेशा बनाकर ले ही जाती हूँ। और फिर 10 बजे की ट्रेन है तो फिर हम लोग 7-7:30 घर से निकलेंगे, तो फिर घर से इतनी जल्दी तो खाना खाया नहीं जाएगा, बस कुछ चाय वगैरह पीकर फिर उसके बाद तैयार होकर निकल जाएंगे। काव्या क्या लेकर चले ट्रेन में? सब्जी पूरी? क्या खाओगे ट्रेन में? आलू की पूड़ी। काव्या और कार्तिक ये दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं दादी के घर जाने के लिए, मतलब सुबह से पूछे जा रहे हैं मम्मी शाम हो गई, मम्मी शाम हो गई, शाम को जाना है इसलिए। तो मैंने अभी बच्चों के नेल्स कट किए थे और मैंने मेरे भी नेल्स कट किए और उसके साथ मैंने नेल पॉलिश जो लगी हुई थी उसको निकाल दिया है। से ये पूरा आसपास ये पिंक पिंक इस तरीके से हो गया है तो मैंने यहाँ से ये निकाल तो दिया है, बट अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी तो फिर ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जब मैं इसको हल्का सा गर्म पानी और सोप के साथ क्लीन करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। और फिर जाने से पहले मैं एक अच्छा सा नेल पेंट लगाऊँगी। और अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आकर मुझे मेरे करना है ब्लीच। तो ये है मेरे पास नेचर का गोल्ड ब्लीच। और ब्लीच घर में कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कुछ लोगों ने उसी वीडियो पर जाकर मुझसे पूछा था कि अगर हमें गोल्ड स्किन करनी हो तो हमें कौन सा ब्लीच करना चाहिए या फिर वाइट स्किन के लिए कैसा ब्लीच करना चाहिए। तो अगर आप गोल्ड स्किन चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी का गोल्ड ब्लीच ले सकते हैं। और अगर आप अपनी स्किन को वाइटन करना चाहते हैं, मतलब कि एकदम फेयर दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने किसी भी कंपनी का डायमंड ब्लीच लेकर उसको लगा लीजिए। दोनों ही के अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर काव्या बैठ गई है। अब मैडम के हेयर्स कट हो गए हैं तो आज इन्होंने मॉर्निंग से हेयर बैंड लगाया हुआ है। क्यों काव्या? हेयर बैंड लगाया है? अच्छी लगती है, मतलब मैं सामान निकाल रही थी तो इनका भी पैक हेयर बैंड अच्छे लगते हैं। लेकिन अब आपके बाल इस तरीके के नहीं है कि आप इन पर हेयर बैंड लगाए? हेयर बैंड तो लगाए, बाल तो नहीं अच्छे लग रहे ना आपके? और ये लोग सुबह ऐसे इतनी मस्ती कर रहे हैं। और मैंने जैसे मॉर्निंग में भी आपको बताया, मैं और ये दोनों लोग बच्चों से हो चुके हैं परेशान, क्योंकि ये कल जो मैंने इवनिंग में बैग ला कर दिया है हम लोग उसे देखते देखते मतलब परेशान हो गए। दुनिया भर का सामान उसमें रख कर ये लोग मॉर्निंग से बैग टांग कर पूरे घर में घूम रहे हैं। शाम हो गई क्या? पूछो अभी नहीं हुई। मॉर्निंग से काव्या ने इतनी बार पूछा है, मम्मी शाम हो गई चलो ना कहाँ जा रही हो काव्या? दादी आपको वहीं छोड़ देंगे दादी के घर, आप दादी के घर रहना। हाँ नहीं इसमें नहीं है, मम्मा लगाने वाली है, ये मम्मा ने सब कुछ निकाल लिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको पहले अपने अप्लाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद और भी कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहेगा जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे। क्या हुआ? सब लोग डर गए। काव्या आपसे डर गए? काव्या ने अपनी मैं डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है आपसे, सब लोग बहुत डर गए। तो चलिए काव्या की तो शैतानियाँ चलती रहेंगी। और कार्तिक और इनका चल रहा है बाहर क्रिकेट, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाया है, जब लोग मतलब लिविंग रूम में ही इनका क्रिकेट हो जाता है थोड़ी सी जगह में, तो सुबह से इतनी शैतानी हो रही है। इन लोगों को तो जो करना है करने दो, मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। हाँ बेटू नहीं बस हो गया। अब काव्या जो है मम्मी को देख कर डरने वाली है। क्यों काव्या डर लगेगा आपको?
मैं मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ काफ़ी, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं अपने स्किन पर कुछ लगा पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। जो मेरा डेली बेस पर जो मैं प्रोडक्ट्स बस यूज़ करती हूँ उन्हीं को ही लगा पाती हूँ। और जैसे ब्लीच है, फेशियल है, ये सब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैंने करवा चौथ से पहले 2 फेशियल किट मंगाई थी ऑनलाइन ऑर्डर कर, एक डायमंड की, एक गोल्ड की। और दोनों ही फेशियल किट को मैंने अभी तक ओपन कर नहीं देख पाया है कि उसके अंदर क्या क्या है। मैंने एक बार भी अपना फेशियल नहीं किया, और अभी अब मैं फेशियल नहीं कर रही हूँ क्योंकि होली पर जो है थोड़ा सा फेस गंदा तो हो ही जाता है। तो होली के बाद जब मैं वापस आऊंगी तब मैं जाकर एक बार पार्लर में फेशियल करा लूंगी। काव्या तैयार है कि मम्मी आप इसे अपने फेस पर लगाओ तो फिर मैं डरूंगी या नहीं। मैंने बोला आप डरने वाली हो, काव्या को बहुत डर लगता है। दूर से देखो तो मैंने यहाँ पर ये ब्लीच मेरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, और मैं इसको बस 5 मिनट्स के लिए अपने फेस पर रखने वाली हूँ क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं कुछ ज़्यादा बहुत देर इसको अपने फेस पर नहीं रख सकती हूँ, और अभी होली है तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो चलो ये ब्लीच तो कर ही सकते हैं घर पर। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लीच अभी लगाया हुआ है और मैं इसको रिमूव करने के बाद आपसे मिलूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अभी ब्लीच को रिमूव कर दिया है, काफ़ी देर पहले मैंने कर दिया था, और अभी तो 4:30 बज गया है। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं खाना की तैयारी करूँगी जो कि मुझे ट्रेन में ले जाना है रास्ते के लिए। और मैं यहाँ पर 2 वीडियो शूट कर रही थी तो दोनों वीडियो मेरे शूट हो गए हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, जल्दी आपको 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलती हूँ मैं किचन में और चाय बनाती हूँ, फिर जल्दी से खाना बनाकर रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। रेडी हो चुके हैं बस निकलने के लिए। अभी मैं एक स्वेटर और डालूंगी, और यहाँ पर हमने सब सामान निकाल कर रख लिया है। ये और कार्तिक अभी बाहर टीवी देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ से बस जाएंगे सीधे घर, और मैं मिलूंगी अब आपसे अपने ससुराल में पहुँचने के बाद। शादरा नहीं, फरुखाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों के निकलने का टाइम हो गया है, और अभी लगभग बज गया है 7:15, और हम लोग 7:30 पर घर से निकल जाएंगे जिससे कि हम आराम से स्टेशन पहुँच पाए और ट्रेन हमें बहुत आराम से मिल पाए, कोई भागा भाग हो, जल्दी ना हो। जब घर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा सामान भी होता है, बच्चों का साथ होता है, तो हम लोग टाइम से थोड़ा सा पहले से ही घर से जाते हैं जिससे हम लोगों को कहीं भी जाने में हड़बड़ी ना कटे और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान ना हो, आराम आराम से सब काम करेंगे। और तो चलिए जल्दी से मैं निकलती हूँ घर से, और अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे ससुराल पहुँचने के बाद। तो आगे के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, उनको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलती हूँ, आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।